हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा पेज नंबर 29 पर एक नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मैं रीड करता हूँ बेटा, पेज नंबर 29, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कहता है इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, ऑल्सो कॉल्ड द कावे कमेटी, नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the asset of a unit. The limit has changed over a period of time. In 1950, a small scale industry unit which invested a maximum of rupee 5 lakh, at present the maximum limit allowed is rupee 1 crore. Beta, meri taraf dekhna samne dekhna. Beta bolta hai पुराने ज़माने में 1950 में एक कमेटी थी, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, उसका एक और नाम था कार्वे कमेटी। उसने बोला कि अगर आपको रूरल एरिया की डेवलपमेंट करनी है ना, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश कर लो। ये बात चल रही है 1950 टू 1990। उसने कहा कि अगर आपको रूरल डेवलपमेंट करनी है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कर लो। बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता क्या ये समझ लो। देखो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। कोई इंसान कहता है अगर आप विदाउट द एड ऑफ पावर फैक्ट्री चला रहे हो तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो। अगर बेटा पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हो अपनी फैक्ट्री में तो आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो। कोई कहता है अगर आपके यहाँ नंबर ऑफ आर्टिसन यानी कि नंबर ऑफ लेबर 10 और बिलो है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो। कोई कहता है 10 से ज़्यादा तो आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो। देखो हर इंसान का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन करने का तरीका अलग है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये तरीका नहीं लिया। ना तो उन्होंने नंबर ऑफ आर्टिसन को बेस बनाया, ना तो उन्होंने बेटा इलेक्ट्रिसिटी को बेस बनाया, उन्होंने बनाया इन्वेस्टमेंट को। गवर्नमेंट ने बोला अगर आज की तारीख में आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी फैक्ट्री में 1 करोड़ से कम है तो आप SSI हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, ठीक है ना। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो। यही लिमिट 1950 में कितनी थी बेटा, ये लिमिट 5 लाख रुपये। आप सोचो 1950 में जो 5 लाख थे वो आज के 1 करोड़ के बराबर ही होंगे। उस टाइम पे लिमिट 5 लाख थी। अगर 5 लाख से कम आपने फैक्ट्री में लगा रखे हैं तो आप स्मॉल स्केल हो, अदरवाइज आप लार्ज स्केल, ठीक है जी। चलो पढ़ते हैं बेटा आगे। इट इज बिलीव दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव, दैट इज दे यूज मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड देयरफॉर जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। But these industries cannot compete with the big industrial firm. It is obvious that the development of SSI require them to be sheltered from the large firm. For this purpose, the production of a number of product was reserved for the SSI, the criteria of reservation being the ability of these units to manufacture the goods. They were also given concession as lower excise duty and bank loan at low interest rate. Pita. गवर्नमेंट ने कार्वे कमेटी के लाइन पर चलते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा, SSI को प्रोटेक्शन देने की सोची। और SSI के लिए क्या करा बेटा, कुछ प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर दिया कि SSI बना सकती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में एंटर नहीं हो सकती, ठीक है ना बेटा। और कहता है आपको लोन सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिलाना शुरू कर दिया, एक्साइज ड्यूटी एक टैक्स होता था जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था बाबू वो भी कम कर दिया आपके ऊपर। खैर इसने SSI पे कोई खासा मुद्दा नहीं लिखा, मुझे इससे ज़्यादा डिस्कशन करना है आपके साथ। टॉपिक लिखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जल्दी से। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फर्स्ट बुलेट लिखना बेटा, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी also known as Carvey Committee, also known as Carvey Committee, noted the possibility of village and small scale industry, also known as Carvey Committee, noted the possibility of using SSI, using SSI फॉर प्रमोट, हैं जी, नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट, फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट।
लिखना बेटा नेक्स्ट बुलेट, SSI इज वन इन विच इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड्स, इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 1 crore, फुल स्टॉप, अभी कॉन्टिन्यू चल रही है सेकेंड बुलेट, इन 1950 लिमिट वाज ओनली 5 lakhs, लिमिट वाज ओनली 5 lakhs, लिख लिया, लिखना बेटा फीचर ऑफ SSI, टॉपिक सेम चल रहा है SSI, इसमें हम लिख रहे हैं फीचर ऑफ SSI, फर्स्ट बुलेट लिखना, एक फर्स्ट हेडिंग लिखना, फर्स्ट हेडिंग, हेडिंग बहुत बड़ी बड़ी होंगी इसमें बेटा, SSI इज लेबर इंटेंसिव, SSI इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, इसमें बुलेट लिखना बेटा, SSI इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, फर्स्ट बुलेट लिखना बेटा, वी इनहेरिटेड एन इकॉनमी फ्रॉम ब्रिटिशर्स, विच इज लेबर सरप्लस इकॉनमी एंड कैपिटल डेफिशिएंट इकॉनमी, लेबर सरप्लस इकॉनमी एंड कैपिटल डेफिशिएंट इकॉनमी, लेबर सरप्लस इकॉनमी एंड कैपिटल डेफिशिएंट इकॉनमी, नेक्स्ट बुलेट, SSI यूजेस मोर लेबर टू प्रोड्यूस एन आउटपुट, एज कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, थर्ड बुलेट, SSI ऑफर मोर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, सेकेंड हेडिंग लिखना बेटा, SSI shows locational flexibility and therefore equality oriented, लिखना बेटा फर्स्ट बुलेट, large scale industries require huge input and therefore it established close to the source of raw material and want to save cost of transportation,
रिपीट कर दो जी। एस्टैब्लिश क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड वांट टू सेव कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट बुलेट लिखना। एस एस आई शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। थर्ड मेन हेडिंग, SSI require small investment, heading का नाम है ये। SSI require small investment and therefore promotes equity. Therefore promotes equity. लिखना बेटा फर्स्ट बुलेट। To establish a SSI, small investment will be needed. Therefore, economic power is not concentrated. बहुत है, इतना बहुत है। अब समझते हैं बेटा चीज़ों को। लो मेरी तरफ देखना बेटा, सामने देखना आप मेरी तरफ। बाबू मैं SSI की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बताया SSI की जरूरत क्या थी और किसने बताई थी, बेटा विलेज एंड स्मॉल स्केल कमेटी, जिसको आप कार्वे कमेटी बोल रहे हो। नाम याद रखना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो बेटा कार्वे कमेटी ने जरूरत बताई थी कि अगर आप रूरल डेवलपमेंट करना चाहते हो तो SSI चाहिए आपको। बाबू SSI होती क्या है गवर्नमेंट की नज़र में, 1950 में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अप टू 5 लाख है तो आप SSI हो, और आज की तारीख में बेटा 1 CR। वैसे बता देता हूँ ये लिमिट बढ़ाकर 10 करोड़ गवर्नमेंट कर चुकी है, लेकिन NCERT ने अपडेट नहीं करी, लेकिन हमें NCERT के हिसाब से चल रहे हैं, तो मैंने 1 CR लिखवाया। ठीक है जी। बेटा एक हल्का सा जिक्र सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने किया था कि SSI लेबर इंटेंसिव है, ठीक है ना। मैंने बेटा वो जिक्र नहीं करा, मैंने उठाकर 3 हेडिंग बना दी और अलग अलग बना दी। सबसे पहला हमने फीचर लिखा कि SSI लेबर इंटेंसिव होती हैं बेटा, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होती हैं। इसका मतलब आप एक बात सोचना बेटा, बड़ी सिंपल सी बात। लेबर इंटेंसिव तो पता होगा ना क्या बेटा, लेबर इंटेंसिव का क्या मतलब होता है? मोर लेबर लेस कैपिटल, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अगर कोई इस्तेमाल करता है तो मोर कैपिटल लेस लेबर। बेटा लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एंगल से सोचोगे ना वो कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, वो ज़्यादा पैसा लगा सकती हैं। वो कहती हैं यार लेबर की सिरदर्दी कौन लेगा, मुझसे लेबर की सिरदर्दी नहीं ली जाती। जबकि आप किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में चले जाओगे, किसी छोटी मोटी फैक्ट्री में चले जाओगे, लेबर ज़्यादा मिलेगी, कैपिटल कम लगी मिलेगी, मशीन बहुत कम लगी मिलेगी। और हमारे एंगल से सोचोगे तो हमें तो बेटा SSI चाहिए इंडिया में आज भी, क्योंकि बेटा हमने जो इन इकोनॉमी इनहेरिट करी है ना ब्रिटिशर से बेटा, वो इकोनॉमी को हम बोलते हैं लेबर सरप्लस इकोनॉमी एंड कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी। जब 1950 में हमारे पास इकोनॉमी आई, समझ लो बेटा 1947 में, 1950 में ठीक ठाक तरीके से आई बेटा इकोनॉमी हमारे हाथ में, तो आप ये समझ के चलो बेटा कितने करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड थे, पैसा किसी प्राइवेट सेक्टर के पास था नहीं। कल पढ़ा था ना बेटा पब्लिक सेक्टर क्यों आगे आया था बेटा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था। तो बेटा हमें SSI की जरूरत थी रादर देन LSI। दूसरी बात यह है बेटा आपको समझना, आज अगर मैं कहूँ ना एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगानी है, एक इंसान ने 1 करोड़ रुपए अपनी फैक्ट्री में लगाए, नौकरी दे रहा होगा सिर्फ 5 लोगों को, 1 करोड़ की एक मशीनरी ले आया बेटा, 2 शिफ्ट में काम करने वाले 2-2 लोग हैं बेटा, एक अकेला बंदा, 5 लोग मिलकर 1 करोड़ की फैक्ट्री चला रहे हैं। एक LSI को देख लो, एक SSI को देख लो के ना बेटा 5 लाख की मशीनरी लगा रखी होगी बेटा, 10 लोग नौकरी कर रहे होंगे।
हाँ सोचो आपको क्या चाहिए बेटा, इंडिया को तो ये चाहिए ना बेटा। आप सोचो 20 लाख रुपए लगाओगे तो एक इंसान को नौकरी मिलती है LSI में, और यहां सोचो 50,000 रुपए में बेटा एक इंसान को नौकरी मिल जाती है। तो बेटा SSI हमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है पर यूनिट ऑफ कैपिटल, जबकि LSI बेटा नौकरियां क्रिएट नहीं करता, ये नौकरियां छीनता है। इंडिया को क्या चाहिए? नौकरियां चाहिए। तो ये पहला फीचर था, समझ आया। दूसरा फीचर मैंने लिखवाया बेटा, SSI शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड। बेटा काम की बात बाबू, देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्री ना कहीं पे भी नहीं लग जाती। SSI का क्या है बेटा, घर में बनाते हैं लोग बेटा, घर में ही फैक्ट्रियां होती हैं, गांव में आप देखो तो बेटा किसी भी जगह पर लगा सकते हो, SSI का टेंशन नहीं है। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री जिसने लगानी है ना, वो 10 बार जगह सोचता है। उसको चाहिए मेरे आसपास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, मैं वहीं पर लगाऊं जहां पर रॉ मटेरियल मेरे को बराबर में मिल रहा हो। अगर आपका सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल दिल्ली है बेटा, और आप सोच रहे हो फैक्ट्री लगा लूं कलकत्ता, तो कभी नहीं लगाएगा कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाला। वो क्या करेगा, वो दिल्ली में ही लगाना चाहेगा। क्यों बेटा? वो चाहेगा मेरी इतनी सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में सेव कर लूं, या मुझे करोड़ों लगाने ही है बेटा तो मैं कोलकाता में क्यों लगाऊं, मैं तो दिल्ली में ही लगा लूंगा करोड़ों, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो सेव होगी। तो मतलब जो एरिया पहले से डेवलप है आप उसको और डेवलप करने में लगे हुए हो बेटा, और बैकवर्ड रीजन और बैकवर्ड। आप किसी बेटा लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कॉल लगा ले भाई इंटीरियर में लगा दे, हिमाचल के इंटीरियर में लगा दे फैक्ट्री, लगाएगा? वो कहेगा मर जाऊंगा पहाड़ों पे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे कराऊंगा, छोड़ छोड़ मैं नहीं लगाता। कोई नहीं लगाना चाहता, जबकि SSI बेटा किसी भी लोकेशन पे लग जाती है, उनको कोई रॉ मटेरियल का इतना बड़ा रोला नहीं होता, क्योंकि ना तो इतनी ह्यूज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदना। तो बेटा SSI हमेशा शो करती है लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी लोकेशन में लगा लेंगे उनको, लोकेशन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बेटा। देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड। वो क्या कर रहे हैं बेटा, प्रमोट कर रहे हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को। समझते हो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट क्या होता है? एक प्राइवेट सेक्टर को कह दो या एक LSI को कह दो ना फैक्ट्री लगा दे गांव के अंदर, वो नहीं लगाएगा। SSI गांव में लगेगी बेटा। गांव में लगने से क्या होगा बेटा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, आसपास ढाबे बन जाएंगे। यही तो चाहिए हमारे को कि गांव का एरिया भी उतना ही डेवलप करे जितना शहर डेवलप कर रहा है। इसे बोलते हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, रीजन वाइज बैलेंस होना। ये SSI करती है, LSI कभी नहीं करती। तीसरी बात बेटा, SSI में बेटा बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसलिए इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट नहीं होती। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सोचो बेटा, जब बनाया करोड़ों रुपए लगाते चले गए, इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट होती चली गई इनटू द फ्यू हैंड्स। आज मैं सोचूं बेटा रिलायंस बहुत पैसा कमा रही है, बहुत पैसा कमा रही है, मुकेश अंबानी रिलायंस से बहुत कमा रहा है। बेटा जितना कमा रहा है उसका आधे भी उसके खर्चे नहीं है। अगर मैं बोलूं बेटा साल के उसको 10,000 करोड़ मिलते हैं, तो बेटा 2,000 करोड़ भी खर्चा नहीं है। अगर 2,000 करोड़ खर्च भी दिए तो हर साल 8,000 करोड़ रुपए कंसंट्रेट होते चले जा रहे हैं, कंसंट्रेशन इनटू द फ्यू एंड्स। और बेटा हमारी इकोनॉमी पता है कब चलती है? खर्चों पे। जितना आए आप खर्च दो, जितना आए खर्च दो। अगर एक इंसान सिर्फ जोड़ता चला जाएगा ना खर्चे का नहीं, तो समझ लेना बेटा सारे बर्बाद हो जाएंगे। आप खर्चते हो, दूसरे को इनकम मिलती है, दूसरा खर्चता है तीसरे को इनकम मिलती है, तीसरा खर्चता है चौथे को इनकम मिलती है। और बेटा SSI कितना को कमाती होगी? जितना कमाती है इतनी सारी लेबर रख के सब खर्च कर देती है। तो बार बार पैसा इकोनॉमी में जरूर आता है बेटा, लेकिन बेटा LSI के एंगल से सोचोगे तो इकोनॉमिक पावर इज कंसंट्रेटेड इन टू द फ्यू एंड। ये पैसा जुड़ता ही चला जाता है, इकोनॉमी में वापस नहीं आता। हमें ये नहीं चाहिए, समझ आई बेटा? मैंने तीन फीचर लिखवाए, तीनों को एक्सप्लेन कर दिया। एक बार आप रीड कर दो, फिर भी बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। और उसके बाद चैप्टर खत्म कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक। पेज नंबर 30 NCERT से रीड करना शुरू कर रहे हैं बेटा, नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बहुत काम का टॉपिक है बेटा, ढंग से पढ़ना, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ आएंगे बीच में। चलो जी, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट वी अडॉप्टेड वाज क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसी इन द फर्स्ट 7 प्लान। ट्रेड वाज करेक्टराइज्ड बाय व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। टेक्निकली दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। दिस पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इम्पोर्ट विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग व्हीकल मेड इन अ फॉरन कंट्री, इंडस्ट्री विच वुड बी एनकरेज टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया इटसेल्फ। इन दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द फॉरन कॉम्पिटिशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट टुक टू फॉर्म टैरिफ एंड कोटास।
Tariff are a tax on imported goods. They make imported goods more expensive and discourage their use. Quota specify the quantity of goods which can be imported. The effect of tariff and quotas is that they restrict import and therefore protect the domestic industry from foreign competition. लो जी बेटा, पहले इतनी बात पे एनालिसिस। बेटा 1950 टू 1990 आप पॉलिसी फॉलो करते थे बेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जो भी आपको ठीक लगे वो बोलो बेटा। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी बोलो या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलो, वैसे टेक्निकली हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी बोलते हैं बेटा। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी कहती है हमें दो बातें फॉलो करनी है, एक तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा हमें इंपोर्ट नहीं करना, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट इंडिया में प्रोड्यूस करो। जो चीज़ें आपको लगता है ना फॉरेन में अच्छी मिलती हैं, हमने इंपोर्ट तो करने ही नहीं देना आपको, आप क्या करो इंडिया में प्रोड्यूस करो, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज उन चीज़ों को प्रोड्यूस करना शुरू करें। दूसरी बात, हम प्रोटेक्शन देंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बाय कोटा एंड टैरिफ्स। ये बड़े काम की बात है, इसको बहुत आराम से समझ लेना बेटा। क्या करती थी इंडियन गवर्नमेंट ये समझ लो बेटा। मान लो कोई प्रोडक्ट यूएस से सस्ता बना रहा है और बेटा इंडिया उसको इंपोर्ट करना चाहता है बेटा, क्या करते थे, कैसे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते थे ये समझना। मान लो बेटा वीट इंडिया में हुआ है उस टाइम पर थी 3 रुपी पर केजी, 3 रुपए किलो के हिसाब से वीट बिक रहा है, ठीक है। यूएसए ने उसको प्रोड्यूस करा बेटा 2 रुपी पर केजी, ठीक है। यूएसए ने प्रोड्यूस करा 2 रुपी पर केजी और यूएसए इंडिया में बेचना चाहता है, ठीक है बाबू। ये अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते थे। इन्होंने कहा अच्छा तूने सस्ता बनाया, तू कैसे बेच लेगा, मैं तो अपने देश की इंडस्ट्री को बचाऊंगा। बाबू इसने एक्सपोर्ट करा इंडिया में, किसी ने अगर मान लो इम्पोर्ट करा ना, जैसे ही इम्पोर्ट हुआ इम्पोर्ट के ऊपर आपने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ मतलब होता है टैक्स रेट ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। आपने टैरिफ लगाया बहुत ही हैवी ताकि इनका प्रोडक्ट महंगा हो जाए। टैक्स लगा दिया बेटा इसके ऊपर कुछ भी 75%, 100% खाने की चीज पे 100% टैक्स, 100% टैक्स लगाया। 2 रुपए की चीज़ 2 रुपए का टैक्स, 4 रुपए की इंडिया पहुंची कोई खरीदेगा, जबकि क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री 3 का बेच रही है, आप बिकने ही नहीं देते थे उनका। या ये तो होता है टैरिफ देकर प्रोटेक्शन देना, एक तरीका होता है कोटा से प्रोटेक्शन देना। कोटा क्या होता है, आपने इंडिया में इंपोर्टेड गुड्स का कोटा फिक्स कर दिया कि इंडिया में वीट 10,000 किलो इंपोर्ट हो सकती है। इस बार टैक्स नहीं लगाया, 2 रुपए के हिसाब से बेटा इंपोर्ट करना शुरू करा, 10,000 किलो इंपोर्ट हो गई इंडिया में। बेटा डिमांड ही 1,00,000 किलो की है, मान लो 10,000 किलो तो आ गई बेटा 2 रुपए के हिसाब से, बाकी 90,000 किलो किसके हिसाब से बिकेगी, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बिकेगी, उसके बाद इंपोर्ट ही नहीं होने देते। तो अगेन आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचा रहे थे बेटा। बचाने का तरीका समझ रहे हो ना क्या तरीका है, कोटा या तो टैक्स लगा दो बहुत ज़्यादा, सॉरी टैरिफ या तो टैक्स लगा दो बहुत ज़्यादा, या कोटा या बेटा फिक्स कर दो कि कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हो। ऑल दो बता देता हूँ बेटा आज की तारीख में ये अलाउड नहीं है, जब भी आप WTO के मेंबर बने थे लेट बैक इन 1995 WTO ने मना कर दिया था। बाबू देखो आपकी पॉलिसी पता है क्या होनी चाहिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, याद होगा आपको 11th में बोलता था मैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो सस्ता प्रोड्यूस करेगा वो सस्ता बेचेगा। ये कोई पॉलिसी नहीं होती बेटा अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाते चले जाओ, ठीक है जी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी दो बातों से रिलेट करती है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी क्या कहती है, रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन थ्रू लेवाइंग कोटाज एंड टैरिफ्स, ठीक है ना बेटा। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी कहती है एक तो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो, इन हाउस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, और दूसरा अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाते रहो कोटा और टैरिफ से। ये 1950 टू 1990 हमारी पॉलिसी थी, ठीक है जी। एक बात बताऊं बेटा, इन चीज़ों के अपने फायदे बहुत है और नुकसान बहुत ज़्यादा, ठीक है, और सब कुछ मेंशन है बेटा इसके अंदर। बस ये है बेटा अनसिस्टमैटिक होता है, हमें उसको सिस्टमैटिक करना होता है, लिखा सब कुछ होता है NCERT, ठीक है जी। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मैं बेटा ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, आप देखना क्या लिमिटेशन है और क्या एडवांटेज है, ठीक है जी। चलो बाबू नेक्स्ट पैराग्राफ है, द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट इन अ पोजीशन टू कम्पीट अगेंस्ट द
goods produced by more developed economies. It is assumed that if the domestic industries are protected, they will learn to compete in a course of time. मतलब लॉजिक क्या दे रहे हो? कहते हैं हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है. डेवलपिंग कंट्री में इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं होती कि वो बेटा डेवलप्ड कंट्री की इंडस्ट्री के साथ कॉम्पिटिशन झेल सके. तो हमने क्या करा, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन करना सीख जाएंगे. मतलब लॉजिक भी गलत है. एक तो प्रोटेक्शन दे रहे हो, ऊपर से लॉजिक ऐसा दे रहे हो. चलो जी, आज तक सीख पाए फिर? अगर मैं सोचूं तो आज तक भी नहीं सीख पाए. आदत वही पड़ गई ना बेटा कि बचा लेगी इंडियन गवर्नमेंट, बचा लेगी, और बचा वो पानी मेरी इंडिया की सारी एसएसआई तबाह हो गई बेटा. कहता है आर प्लानर्स ऑल्सो फियर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बींग स्पेंट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स इफ नो रेस्ट्रिक्शन वॉज प्लेस ऑन इम्पोर्ट नॉर वॉज एनी सीरियस थॉट गिवन टू प्रमोट एक्सपोर्ट अंटिल द मिड 80s. मतलब पॉलिसी में ही खोट है भाई. कहता है इंडियन गवर्नमेंट को डर लग रहा था कि जिस हिसाब से आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, सारी फॉरेन एक्सचेंज खत्म करके ही मानोगे आप. इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी लगा दी कि इंपोर्ट ही बंद है ना, कोई ना तो इंपोर्ट होगा ना कोई फॉरेन एक्सचेंज मांगेगा ना फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से भाग जाएगी. आपको बता देता हूँ, इसके बाद भी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बहुत बाहर जाती थी. क्यों? क्योंकि बेटा आपको ही कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने पड़ते थे. इंडिया में कोई भी बेटा ऐसी बढ़िया इंडस्ट्री नहीं थी जो आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दे सके. मुझे नई इंडस्ट्री लगानी है, मुझे कैपिटल गुड्स चाहिए, मशीनरी चाहिए. मशीनरी इंडिया में होती नहीं थी, मैं फिर भी इंपोर्ट करता था. और जब मैं मशीनरी इंपोर्ट करता था, मशीनरी करोड़ों में आती है, छोटे गुड्स तो हजारों लाखों में ख़त्म हो जाते हैं. अब करोड़ों रुपए डॉलर एकदम बाहर जाते थे बेटा, खाली तो तब भी हो जाते थे. आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, आपने गलत पॉलिसी चूज़ करी. आपने पॉलिसी चूज़ करी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, रादर यू शुड चूज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन. आपने कहा नहीं नहीं इंपोर्ट नहीं करना, इंपोर्ट नहीं करना, इंपोर्ट नहीं करना, फॉरेन एक्सचेंज खर्च मत करो. अरे ये करते हैं ना, एक्सपोर्ट प्रमोट करो, एक्सपोर्ट प्रमोट करो, बेचो बाहर, वहां से अर्न करो, तो शायद जिंदा रहते बेटा. जब देखो, अभी मैं आपको बताता हूं, जब आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, जब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देते हो, तो आप कोई ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाते कि दूसरी कंट्री आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करती है. सबसे बेकार प्रोडक्ट अगर किसी देश के होते थे तो हमारे होते थे, वो क्वालिटी में जीरो, कोई देश पकड़ता ही नहीं था. गलत पॉलिसी. देखो बेटा, एक बात अभी बोल देता हूँ, खैर आप आगे आने वाले टाइम में लिमिटेशन पढ़ोगे. लैक ऑफ कॉम्पिटिशन सिंपली मीन्स लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन. आपने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कम्पीट करने दिया फॉरन के साथ? नहीं. आप समझते हो लैक ऑफ कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं होने वाला. आपको बता देता हूँ, जितने ओल्ड यूजर ऑफ कार है ना, अपनी पुरानी जनरेशन से पूछ के देखना, सिर्फ इंडिया में दो ही कारें होती थी, एम्बेसडर एंड फिएट. और 10-10 साल एम्बेसडर और फिएट ने एक भी फीचर चेंज नहीं करा कार में. वो कहते थे हम क्यों चेंज करें, यही बिक रही है. फॉरेन कंपनी से कभी कॉम्पिटिशन झेलने दिया होता ना, तो दो साल में बेटा बाहर निकाल देती, आपको खाली कर देती. और यही हुआ ना जब आपने बेटा फॉरेन कॉम्पिटिशन अलाउ करा. आज की तारीख में एक साल में कितने अपडेट करती होगी फीचर कंपनी आपके हिसाब से कम 50. क्यों बेटा? झेलना पड़ रहा है ना दूसरी कंपनी से कंपटीशन, फॉरेन कंपनी से कंपटीशन, तो जान निकल जाती है. आप एक फीचर लाते हो, 50 लाती है, आपको टिकने के लिए मार्केट में उसके जैसे 50 लाने पड़ते हैं. ठीक है ना बेटा? तो आपकी पॉलिसी ही गलत थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से आप फॉरेन एक्सचेंज भी बचा नहीं पाए. सोचा तो आपने फॉरेन एक्सचेंज बचाने की कोशिश करेंगे, बेटा उल्टा लुटते चले गए. ठीक है जी, चलो रीड करते हैं बेटा. इफेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले हम ये एक पैराग्राफ रीड करते हैं. ठीक है, छोटा छोटा पैराग्राफ है, एक एक करके रीड करते हैं. इसमें एडवांटेज नजर आएंगी, मैं पहले बोल रहा हूँ, इसमें एडवांटेज बनेंगी. चलो जी, द अचीवमेंट नाम ही आ गया, द अचीवमेंट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान आर इम्प्रेसिव इंडीड. द प्रपोर्शन ऑफ जी डी पी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम 11.8% इन 1950 टू 51 टू 24.6% इन 90 टू 91. बेटा कहता चलो एक अचीवमेंट बहुत अच्छी हुई, चाहे आपने कोई भी पॉलिसी लगाई, आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 1950 टू 51 में इंडस्ट्रियल सेक्टर का सिर्फ 11.8% था.
आपकी बुक में 13 लिखा है ना, कुछ बुक में 13 लिखा है ना, मुझे पता था ये पंगा है, आप 13 ही लिखना बेटा। बाबू 1950 to 51 में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी 30%। आपको याद करा देता हूँ एक स्टैट बेटा, लगभग 72% कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में एग्रीकल्चर, 13% कंट्रीब्यूट करता था बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर, और 15% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था बेटा टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर का। कहता है 1950 में ये हालात थे और 1990 तक बेटा ये बढ़कर 24.6% हो गया, ऐसा ही लिखा है, नई बुक में भी यही है ना। तो बेटा ये बढ़कर 24.6% हो गया, चलो कुछ तो हालात सुधरे ना, से तो बहुत बेटर है, चाहे हमारे पब्लिक सेक्टर ने कुछ भी किया लेकिन बेटा अच्छा काम किया, 11-12% शेयर बढ़ा दिया जीडीपी में, याद रखना है स्टैट्स, लिखवाऊंगा भी। और बढ़ते चलो, द राइज इन द इंडस्ट्रियल शेयर ऑफ जीडीपी इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, ये काम की बात। द 6% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड इज कमेंडेबल, हर साल इंडस्ट्रियल आउटपुट 6% से बढ़ने लगा, आप बोल सकते हो जीडीपी, एवरेज जीडीपी इंडिया का इन 40 साल में 6% रहा, कम नहीं होता बेटा, ठीक है ना। मैक्सिमम इंडिया 7.5 तक आया है आज भी, तो उस टाइम अगर 6 था तो बेटा वो भी तारीफ के काबिल है, कमेंडेबल है। चलो जी, नो लॉन्गर वाज इंडियन इंडस्ट्रीज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू टेक्सटाइल एंड जूट, इन फैक्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाई 1990 लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर। The promotion of small scale industries give opportunities to those people who did not have the capital to start large firms to get into the business. Protection from foreign competition enabled the development of indigenous industries in the area of electronics and automobile sector which otherwise could not have developed. काम की बात, देखो बेटा अगर मैं देखूँ तो मेरे को 3 अचीवमेंट दिखाई दिए इसी एक पैराग्राफ से, और पेपर का पार्ट में लिखवाने भी वाला हूँ। 3 अचीवमेंट इधर देखना मेरी तरफ, जीडीपी में पुराना शेयर आपका 13% से 24.6% हो गया, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर राइजेस टू 6% एवरेजली ड्यूरिंग दीज 40 इयर्स। तीसरा काम की बात बेटा, इंडिया में पहले कॉटन और जूट इंडस्ट्री होती थी, हम वहीं तक सीमित नहीं रह गए कॉटन और जूट इंडस्ट्री तक, हमने बेटा डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट कर दिया और दो चीज़ें का इमरजेंस हुआ इंडिया में बेटा, एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और दूसरा ऑटोमोबाइल। बेटा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का दूसरा नाम याद रखना है, इसने नहीं लिखा बुक ने, पेपर में बढ़ाता है, सनराइज इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, सनराइज रोशनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को। अभी मेरे को नहीं पता, किसी बच्चे ने मुझसे एमसीक्यू पूछा था ना, शायद किसने, आपने पूछा था, और उसके बाद आपने मैसेज भी किया भैया इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं है, मैंने कहा नहीं, वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स बोला, आपने बोला ऑटोमोबाइल तो नहीं है, पता नहीं किसी का नाम लिया, मैंने कहा नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री दूसरा नाम सनराइज इंडस्ट्री, और बेटा इंडिया में ऑटोमोबाइल का भी इमरजेंस हुआ, ऑटोमोबाइल अभी 2 कार के नाम बोले हैं बेटा आपको मैंने, एम्बेसडर बनी बेटा इंडिया में टाटा फिएट, फिएट कार बनी टाटा की थी बेटा, ठीक है ना। ये 3 अचीवमेंट है बेटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलो आज इंपॉर्टेंस तक ही लिख देते हैं, डीमेरिट्स तक जाते हैं, ठीक है, थोड़ी सी बात है, ये 3 पॉइंट लिखवाने हैं फिर छुट्टी करते हैं। हेडिंग लिखना इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। फर्स्ट बुलेट लिखना इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी रेफर्स टू रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, and protection of domestic industries from foreign competition
protection of domestic industries from foreign competition through quotas and subsidies. Sorry, tariff and quota. Quota and tariff likhna, maine subsidies bol diya. Quota and tariff. लिखा आपने, लिखना बेटा, अचीवमेंट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, अचीवमेंट्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. अचीवमेंट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, तीन बुलेट लिखनी है इसमें. फर्स्ट बुलेट, इकोनॉमिक ग्रोथ got a big push. Economic growth got a big push. Full stop, continue hai beta, abhi yahi bullet. The contribution of industrial sector, the contribution of industrial sector to GDP rises from 13% in 1950 to 51, 13% in 1950 to 51 to 24.6% in 1990 to 91. 24.6% in 1990 to 91. Next bullet likhna. There was a significant rise in industrial output. There was a significant rise in industrial output. Full stop, continuation में है. Average annual growth rate of industrial output remained 6% per annum during 1950 to 1990. Third bullet, domestic industries were also diversified. Domestic industries were also diversified its portfolio by entering into the segments like electronic industry, bracket में लिखना sunrise industry, and automobile industry. आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय.